साहिब कहते हैं मूरत घरी चसापल सिमरन राम नाम रसना संग लवो। तो रसना दे नाल वाहिगुरु जप, पर एक गल चेते रखना। संत सिंह मशकीन जी गल कहिंदे सी कि जेड़ा रुख बहुता उच्चा होवेगा ओदी जड़ बहुत गहरी होवेगी, बहुत गहरी। और जिस रुख की जड़ गहरी नहीं है उस रुख की ऊंचाई भी बहुती नहीं आती। पिंड विच एक पिपल का रुख है, बहुत पुराना है। मैं इस तरह अर्ज करा, जो मैं तीजी क्लास का विद्यार्थी सी मैं उदों तो ही देखता आ रहा उस तरह ही, वो अज भी है। तो एक परिवार मैं कहता ज्ञाने जी एदियां जड़ां साडे घर तक पहुँचिया हुई ने। मैं क्या हद हो गई साडे घर तक। तो जिस रुख की जड़ बहुती गहराई तक पहुँची है उसकी बुलंदी बड़ी कमाल की होगी, शिखर बहुत कमाल का होगा। पर पहला तो वह बीज ही सी। कहिंदे ने जिस मनुख ने एक बार वाहिगुरु आख्या, एक बार ओम आख्या, एक बार अल्लाहू अकबर आख्या, जां एक ओंकार आख्या, कहिंदे ने यह बीज है। फिर यह बीज जितना जितना गहरा जांदा जाएगा, सिमरन दियां जड़ां जितनियां गहरियां होणगियां, जड़ां गहरियां तो भाव कि कीता होया सिमरन नाभी तक पहुँच जाए। इस नूं कहिंदे ने ध्वनि, धुन दे नाल ये धुन मिल जाए। इत्थे चोट लगती है प्राणा नूं। कहिंदे ने फिर की होंदा है, कहिंदे ने इस मनुख दे जिहड़े फिर बोल हन वह निरंकार तक पहुँच जाते हैं। जां का कहिया दरगह चले, जिहदे बोल दरगाह तक पहुँचते ने। मैं आप जी नूं अर्ज करा, कईयां दे बोल तां ऐसे होंदे ने पत्नी तक कबूल नहीं करदी, पति तक कबूल नहीं करदा, बोल बच्चे कबूल नहीं करदे। पर कईयां दे बोल ऐसे होंदे ने जिन्हां दे बोल परमात्मा कबूल करदा है। जां का कहिया दरगह चले, दरगाह तक बोल क्यों पहुँचे ने, क्योंकि ऐसे मनुख वल्लों कीता होया सिमरन गहराई विच पहुँच गया है, जड़ां बहुत गहरियां चलियां गईं। तो साहिब कहिंदे ने तू रसना दे नाल जपी जा, पर जपदियां जपदियां ये जाप बहुत गहराई तक पहुँच जाए। गहराई तक हुण कई बार की होंदा है, गहराई तक जाण दी कोशिश होंदी है पर पत्थर आ गया। हुण जड़ ने कोशिश तो करनी है पर पत्थर आ गया, हुण की करिए। पानी तो निकलन की कोशिश करदा पिया है पर भारी सिला आ गई है, भारी पत्थर आ गया है। हुण जदों तक पत्थर नूं हटाओगे नहीं, तोड़ोगे नहीं, पानी नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। जदों असीं सिमरन करदे हाँ, साधना करदे हाँ, गुस्ताखी माफ एक गल कहन देना मैनू, कितने ही पत्थर आ जाते ने, कितने ही रोड़े आ जाते ने, असी परवाही नहीं करते। किहड़े रोड़े ने? कठोर बोलना रोड़ा है, किसी ने गुस्से विच कुछ आखना यह रोड़ा है, हंकार दे गीत गाना यह रोड़ा है, यह रोड़ा। मैं कईयां दे घर, प्रेमियां दे घर जदों जाना, मैं उन्हां नूं इक्को अर्ज करना कि घर विच जिहड़ी माई है उसनों भी अदब दे नाल बुलाओ, घर दे विच जिहड़ा नौकर है उसनों भी अदब नाल बुलाओ, अदब नाल। ते एक माई कहिंदी है, कहिंदे ज्ञानी जी जदों तो तुसी इस घर विच आए हो मैनूं तां ऐसा लगता है कि मेरे वास्ते तां स्वर्ग हो गया है। मैनूं बड़े अदब नाल बुलांदे ने, बड़े प्यार नाल बुलांदे ने, नहीं तां पहलां इस तरह बुलांदे सी कोई इज्जत नहीं सी एक पैसे दी भी।
घर का नौकर होवे उसनु भी सत्कार नाल बुलाओ, घर की माई होवे उनु भी अदब नाल बुलाओ। और मैं अर्ज करां गुरु घर के सेवादार होण उन्होंने भी अदब नाल बुलाओ। ये ना समझ लेना कि ये सेवादार साढ़े नहीं हैं, मुस्ताकी माँ ये सेवादार साढ़े नहीं हैं, ये गुरु ग्रंथ साहब के सेवादार ने, ये गुरु ग्रंथ साहब के कीर्तनीय ने, ये गुरु ग्रंथ साहब के ग्रंथी हैं, गुरु ग्रंथ साहब के पाठी हैं, ये साढ़े नहीं हैं। अदब करना है सारियां दा। तो समझ लेना ये रोड़ा हटा दिता असी, कीता होया सिमरन गरई विच चला गया है, गरई विच चला गया, नहीं तो फिर वो रोड़ा बन के ठहर गया, कीता होया सिमरन गरई तक नहीं गया। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहिंदे ने होछो काज अलप सुख बंधन कोट जन्म कहां दुख भाव। दुनिया के जिहड़े तमाम पदार्थ हैं इन्हां दा सुख कितना है, अलप सुख, थोड़ा जिहा सुख है। होछो काज, इस काज अधूरा है भाव, दुनिया के पदार्थ ही तो कट्ठे करदा रहा, पदार्थ चाहिए ने। क्योंकि मैं आप जी ने कल परसों अर्ज की सी, ये पानी ही नहीं है तो किश्ती किवें चलेगी, जे धन ही नहीं है साढ़े जीवन की किश्ती किवें चलेगी, साडा परिवार ही नहीं है जीवन की किश्ती किवें चलेगी, साढ़े कोल कारोबार ही नहीं है जीवन की किश्ती किवें चलेगी। क्योंकि कारोबार ना होवे, दो पैसे ना होण, खिमा करना परमात्मा का नाम भी चंगा नहीं लगता, नहीं लगता। और जे घर विच दो पैसे होण, अद्धी बीमारी वैसे ही खत्म हो जाती बंदे दी, अद्धी बीमारी खत्म हो जाती। भगतां ने क्यों कहा, भूखे भगत न कीजे ये माड़ा पणी लीजे। पर नाल ये भी कह दिता, सब कुछ मंगण तो बाद ये कह दिता, मैं ना ही कीता लभो। क्यों? क्योंकि जिहड़ी किश्ती पानी विच चलती है, पानी विच तैरती है, उही किश्ती कई दफा पानी विच डुब जाती है, डुब जाती। कि जीवन की किश्ती वास्ते जो धन चाहिदा सी, जिहदे विच जीवन गुजरना सी, उसे धन दे विच इतना खचत हो गए कि जीवन की किश्ती डुब गई, परिवार विच इतने खचत हो गए जीवन की किश्ती डुब गई, धन दे विच इतने खचत हो गए, कारोबार विच इतने खचत हो गए कि जीवन की किश्ती ही डुब गई। ये पानी ही किश्ती नूं चलांदा है, ये पानी ही किश्ती नूं डुबदा है, ये धन ही जीवन नूं चलांदा है, और गुस्ताखी माफ धन ही जीवन नूं डुबो देंदा है, ये परिवार ही जीवन नूं चलांदा है, और कई दफ़ा परिवार ही मनुख दे जीवन नूं डुबो देंदा है, क्योंकि खचत हो गए। खचत नहीं होना, धन भी भोगना, परिवार भी भोगना, कारोबार भी भोगना, पद प्रतिष्ठा भोगनी है, पर खचत नहीं होना। तो साहिब कहिंदे ने उहदे वास्ते मैं की करां, तो साहिब कहिंदे ने सिखिया संत नाम भज नानक राम रंग आत्म स्यों रोम। राम रंग, रंग किसनू कहिंदे ने, रंग किधरे वो ना समझ लेना जिहड़े दुनियावी रंग हैं, रंग तो मुराद है प्रेम। ठाकुर गाइए आत्म रंग, आत्मा दे प्रेम दे नाल ठाकुर नू गाना है। ते फिर कई मनुख कह देंदे ने कि मैं रब नू बहुत प्यार करदा, तो मैं पूछ लैंदा सबूत की है, दसो आप जी रब नू बहुत प्यार कर दे, की सबूत है? मैं रब नू बहुत प्यार करदा, की सबूत है? कहिंदे ने सबूत यही है कि जो प्रेम मैं रब नू करदा, उही प्रेम रब दी खलकत नू करदा, उतना ही प्रेम रब दी खलकत नू। क्यों? क्योंकि
धन गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल कह के मैं समाप्ति बुलाना। साहिब कहिंदे ने कौड़ा बोल ना जाने पूरन भगवान। जिहड़ा परमात्मा है वह कदे कौड़े बोल जानदा ही नहीं बोलना। हुण उहदे नाल तू मुहब्बत करनी है तो तेरी रसना च भी कौड़े बोल ना होण, फिर वह केवल परमात्मा वास्ते ही नहीं सारिया वास्ते सारिया वास्ते। भावें कोई खत्री होवे, भावें शूद्र होवे, भावें कोई ब्राह्मण होवे, भावें वैश होवे, भावें हिंदू होवे, मुस्लिम होवे, सिख होवे, ईसाई होवे, सारिया दे नाल प्रेम की बोली बोलांगे। नानक नदरी नदर निहाल भुला चुकां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।